दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि कुछ टाइम पहले चीन ने आर्टिफिशियल सन बनाया था और अब चीन ने आर्टिफिशियल मून भी बना लिया है। इस आर्टिफिशियल मून का व्यास लगभग 2 फीट है और इसकी सतह चट्टानों और धूलों से बनाई गई है जो उतनी ही हल्की है जितनी चंद्रमा पर होती है। हम आपको बता दें कि चांद पर गुरुत्वाकर्षण बल अर्थ के मुकाबले 1/6 है, इसीलिए चांद की सतह पर इंसान चल नहीं सकता। इस आर्टिफिशियल मून की सहायता से साइंटिस्ट वहां के वातावरण की स्थितियों और पर्यावरण के हिसाब से नई मशीनों की जांच और फ्यूचर में होने वाले अभियानों की तैयारी कर सकेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये आर्टिफिशियल मून कैसे काम करता है। किसी भी एटम के सेंटर में यानी न्यूक्लियाई के चारों तरफ छोटी छोटी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जो कि करेंट पैदा करते हैं और ये घूमती हुई करेंट मैग्नेटिक फोर्स पैदा करती है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में इस मैग्नेटिक फोर्स को नियंत्रित या कम करके उस स्थान पर लेविटेशन पैदा किया जा सकता है, यानी वस्तुएं हवा में उड़ने लगती हैं। यानी जैसे ही बाहर से कोई चुंबकीय शक्ति एटम से टकराती है तब वह एटम अपनी मैग्नेटिक फोर्स की दिशा बदलकर बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रगल करने लगता है। बस यहीं पर लेविटेशन शुरू हो जाता है, यानी वस्तुएं हवा में उड़ने लगती हैं। इससे पहले चीन ने चांगई 4 और चांगई 5 को 2019 से 2020 तक चंद्रमा पर भेजा था और चांगई 5 चांद की सतह से सैंपल लेकर धरती पर लौटा था। चीन ने 2029 तक दक्षिणी ध्रुव पर इंसानी रिसर्च सेंटर बनाने का भी दावा किया है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस आर्टिफिशियल मून की मदद से चीन भविष्य में चांद पर बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला है।